The master is here. तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं द मास्टर प्लेयर, आप देख रहे हो द मास्टर प्लेयर। स्वागत है आपका एक ताजा तरीन नए वीडियो में। तो आज की इस वाली वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ जरूरी काम, या कुछ जरूरी काम करने वाले हैं। एंड मैंने थोड़ी बहुत चीजें की हुई है अपने घर में, वो भी तुम लोग को दिखानी है। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं एंड शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर मजे से आते हैं तो लाइक कर देना। एंड हाँ, सीरियसली एंड तक देखना। तुम लोगों से ये थोड़ा सा पूछना भी था, तो पहले पूछ लेता हूँ फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं कि तुम लोग क्या चाहते हो। कि मतलब मैं वीडियो जितनी बड़ी बनाता हूँ इतनी बड़ी बनाऊँ, या फिर इसे दो पार्ट्स में, लाइक अगर मेरी 20 मिनट्स की होती है, मुझसे उससे कम में नहीं बनती, तो 20 मिनट्स को मैं ब्रेक करके दो अलग अलग पार्ट्स में लाऊं, लाइक 10 मिनट्स एंड 10 मिनट्स, 10 मिनट्स आज, 10 मिनट्स कल। या फिर तुम लोग चाहते हो जो मेरा टेन्योर है उसमें से मैं और थोड़ा बहुत, मतलब वीडियो में से और थोड़ा काट पीट के थोड़ा उसको और छोटा कर दूं। मतलब कैसा चाहते हो ये थोड़ा तुम लोग बताना मेरे को। बिकॉज मतलब कि कोई भी वीडियो अगर मतलब थोड़ा वो होना होता है, वायरल वगैरह होना होता है, तो उसमें ये होता है कि एटलीस्ट अगर 70% के ऊपर का वॉच टाइम जाता है तब जाके वो वीडियो के चांसेस होते हैं कि वो ज़्यादा प्रमोट करता है यूट्यूब, ठीक है। एंड मेरा जो एवरेज वॉच टाइम रहता है वो थोड़ा कम रहता है, 70% से जाता भी नहीं है, आसपास भी नहीं रहता है। तो तुम लोग बताओ कि मतलब क्या करूँ, और थोड़ा सा सपोर्ट किया करो, मतलब वीडियो को ट्राई किया करो कि पूरा एंड तक देखने की। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला जो काम करना है मेरे को वो है कि मतलब मैंने एक लिफ्ट बनाई हुई है अपने इस वाले घर में, वो दिखानी है। तो एक मिनट, तुम लोग को कुछ दिख रहा है, कुछ अलग सा? इनके घर पे नेम प्लेट किसने लगाई, किसकी नेम प्लेट है ये? मैं थोड़ा ज़्यादा घुस गया। ओके, लिखा है गो इनसाइड द बुक कीपर। ये बुक कीपर की स्पेलिंग आई थिंक गलत है, किसने लिखा ये, कौन है ये नोबड़ा? गो इनसाइड बुक कीपर हैव सम मैसेजेस फॉर यू। ओके, तो बुक कीपर, बुक कीपर बोले तो आई थिंक लेक्टर्न। तो दो लेक्टर्न है मेरे पास ऊपर, देखते हैं सीरियसली कोई मैसेज है इनके पास। ओके, तुमको ये मैसेज किसने दिया है? तुमने रखा है? कुछ नहीं बोल रहा ये, इधर तुम, ये मुंह छुपा रहा है। पक्का तूने रखा है वो? हूँ बोला, अच्छा बोला हूँ, इट मीन्स ये हूँ बोल रहा है। आई थिंक का मतलब हाँ होता है, आई थिंक इसी ने रखा है। ओके, तो क्या है इसमें? द बैटल बिगिंस बाई प्रो माइनक्राफ्टर। ओहो, ये प्रो माइनक्राफ्टर आखिरकार है कौन? हु इज दिस प्रो माइनक्राफ्टर? ओके, तो लिखा है इसमें हेलो मास्टर, सो द टाइम हैज कम फॉर यू टू शो योर ब्रिलियंस। बहुत ब्रिलियंट है अपन, कैसी ब्रिलियंस दिखानी है बस बताने का। द स्पिरिट ऑफ द थ्री हेडेड डीमन needs to be defeated. Three-headed demon? ये कौन सा demon है भाई? Okay, तो देखते हैं आगे। Deep down the hell, a nether. क्या सीन क्या है? Deep down the hell lies the power of the dark. You need, ये क्या, कौन लिखा है ये? ये ना दीस है ना दोज है। These powers to upgrade yourself. Go and bring them to make yourself worthy for the next task. साला मेरी बात खत्म होने से पहले ही ये लोग सो गए, बड़े बदतमीज हो यार तुम लोग। मतलब मैं इधर मेहनत कर रहा हूं, तुम लोग उधर सो रहे हो। कुछ पढ़ो लिखो, तुम लोग किताब बेचते हो। ओके, मैं अपना वाला बेड उठा लूं, वरना कोई और ले लेगा इसको भी आके। ओके, तो सीन क्या है, ये रखा किसने? इधर मुंह मत छुपाओ, इधर देखो मेरी तरफ, आंखों से आंखें मिला के बात करो मुझसे। अच्छा, ये पक्का इसी ने रखा है, मुझे रखा है, तूने ही रखा है ना? हाँ, तू क्या चाहता है, मैं क्या करूं, नेदर में जाऊं? हूं कर रहा है, आई थिंक इसका मतलब हाँ है। तो जहां तक मेरा ख्याल है, डीप डाउन द हेल यानी कि नेदर में हमको जाना है नीचे। ओके, नेदर के नीचे।
एंड वहां से लाना है द पावर ऑफ डार्क। तो ये पावर ऑफ डार्क आखिर है क्या? आई थिंक जो कि मेरे दिमाग में आया है, मे बी ही इज टॉकिंग अबाउट द नेदरराइट। आफ्टर ऑल नेदरराइट डार्क है। सो लेट्स गो एंड अपना टास्क पूरा करके आते हैं। मे बी शायद कुछ और भी आए, क्योंकि उसने लिखा था द नेक्स्ट टास्क। तो अच्छा हुआ मैं कुछ काम कर रहा था, एंड जो अपना बार्टरिंग फार्म था मैं उसमें से थोड़े फायर रेजिस्टेंस वाले पोशंस उठा लाया था, उनका टाइम इंक्रीज कर दिया था। तो बहुत टाइम है, 1 घंटा है ऑलमोस्ट हमारे पास पोशन का। एंड अगर नेदरराइट लेने जाना है तो वी नीड सम बेड्स। एंड भाई वूल फार्म देखोगे ना, खतरनाक काम कर रहा है अपना वूल फार्म। इधर देखो एंड इधर देखो भाई, इतना ज़्यादा वूल है इसमें। तो मैं थोड़े से बेड्स बना लेता हूँ, आई थिंक 10-12 बेड्स से मेरा काम हो जाना चाहिए। तो लेट्स सी, मैं बेड्स बना लेता हूँ थोड़े से यहाँ पे, एंड देन बेड्स। तो इतनी टॉर्चेस स्टिक्स आई थिंक ओके है। तो मैं अपनी जो वुड्स हैं उनको निकाल सकता हूँ, आई डोंट थिंक कि मेरे को वुड की इतनी ज़रूरत पड़ेगी। एंड ये वूल तो उधर रख दूँ, इस वूल का नहीं, अभी वूल लेके चलते हैं। बड़ा कन्फ्यूज आया हुआ आदमी हूँ यार मैं, समझ भी नहीं आता कभी कभी क्या करना है। तो ये जो वुड है भी, फिलहाल के लिए मैं इस वुड को यहाँ पे निकाल रख के रख देता हूँ। एंड अपने ये गोल्ड बूट्स, यप गोल्ड बूट्स आर इम्पोर्टेंट, तो गोल्ड बूट्स पहन लेते हैं। एंड अपने ये डायमंड बूट्स यहीं पर रख लेते हैं। ओके, तो मैंने बहुत सारा एरिया तो अपना खाली कर दिया है, एंड बहुत सारे बेड्स ले लिए मैंने। कुछ ज़्यादा ही बेड्स तो नहीं ले लिए मैंने, ये लग रहा है मुझे कि मैंने ज़्यादा बेड्स तो नहीं ले लिए, बट कोई नहीं, आई थिंक इतने से हमारा काम चल जाने वाला है। एंड मैंने ले लिया अपना एक पोशन हाथ में, जो कि मैं जाते ही पी लेने वाला हूँ, क्योंकि बिकॉज नीचे जाना है तो अब काम तो आएगा ही। एंड अपना सारा महंगा महंगा सामान लेके जा रहा हूँ। आई एम वेरी, एक सेकंड रुको, आई थिंक मुझे इस वर्ल्ड को एक बार कॉपी कर लेना चाहिए। रुको मैं वर्ल्ड को कॉपी करके आता हूँ। ओके, तो मैंने वर्ल्ड को कॉपी कर दिया है। मतलब मैं नहीं चाहता कि मतलब ऐसा कुछ हो कि मैं मर जाऊँ, ये सारा सामान चला जाए। मतलब फॉर अ सिक्योरिटी मेजर ऑफकोर्स बैकअप लेके रखना चाहिए। तो ओके, हम लोग आ चुके हैं नदर में। एंड आते ही मुझे वहाँ पे एक मैग्मा दिख रहा है। तो जितना मेरे को पता है कि नीचे ही मिलता है, तो नेदरराइट नीचे ही लेने जाएंगे हम लोग। 11-12 के आसपास मिलेगा। ओह भाई साहब, अरे अभी तो आया हूँ, आने भी नहीं देते यार ठीक से। और ये आते ही ये देखो एक ये है, हाँ निकल। ओके, तो आई थिंक मैं अपनी माइनिंग यहीं से ही स्टार्ट करता हूँ, बगल में लावा है। बट कोई नहीं, आई डोंट थिंक कि इतनी ज़्यादा दिक्कत होगी नीचे। तो मैं ये पी लेता हूँ पहले तो, एंड देन स्टार्ट करते अपनी माइनिंग। भाई साहब ये तो एकदम श्रेड कर रहा है भाई। एंड आते ही बस मैग्मा क्यूब्स। ओके, तो हम लोग बहुत ज़्यादा ही आ गए, बहुत ज़्यादा नीचे आ गए। ओके, तो ये 11 लेवल है, एंड आई थिंक मुझे 11-12 के आसपास ही करना चाहिए। 11-12-13, दैट्स द नंबर, बिकॉज इसी के ही आसपास सब कुछ मिलता है। ओके, तो मैं यहाँ पे सबसे पहला अपना एक बेड लगाता हूँ। एंड मुझे मतलब थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा कि मैं बेड से ना फूटूं। वेल बहुत ज़्यादा तो उसका वो नहीं होता है कि मतलब इतना नहीं होता है कि मतलब मैं फट जाऊं, बट फिर भी क्योंकि मेरे पास पूरा डायमंड आर्मर है, मैं अपने जूते भी बदल लेता हूं सोने वाले से, क्योंकि सोने वाले बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं। तो यहाँ पे लगाते हैं एक बेड। ओके, थोड़ा सा दूर जाते हैं, एंड देन बूम। ओके, ना ज़्यादा मेरे को वो नहीं हुआ, देखते हैं क्या आसपास कोई मिला। भाई इतना क्वार्ट्ज है भाई इधर, भाई कितना क्वार्ट्ज है भाई इधर, एक भी लेकिन डेब्रिस नहीं है ना, एक भी डेब्रिस नहीं है भाई। एक तो डेब्रिस होती है एटलीस्ट, दिल खुश हुआ था मेरा। अरे 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 मैं अंधा हूं क्या? अरे भाई साहब, ओ भाई साहब, मतलब कि किस्मत देख रहे हो, किस्मत देख रहे हो, ओ भाई, मतलब आते ही बिल्कुल सामने यहाँ पे डेब्रिस पड़ी है।
ओ माई गॉड, एंड हमें एग्जैक्टली 15 डेबरिस चाहिए मेरे को, मैं बहुत ज़्यादा नहीं लेने वाला हूँ, मतलब कि मुझे बस इतनी डेबरिस चाहिए। ओके, तो मेरे को सामान फेंकना पड़ेगा, ऑफ कोर्स मैं उसके लिए तो कुछ भी फेंक दूँ, डायमंड फेंक दूँ मैं इसके लिए ये कौन सी बड़ी बात है। तो ओके, तो मेरे को 15 चाहिए, क्योंकि एक नेदराइट इंगट बनाने के लिए चाहिए होता है 3 स्क्रैप, है ना, और 3 स्क्रैप हमें मिलेगा 3 से, तो 5 चीज़ें हमें अपग्रेड करनी, अपना हेलमेट, अपना आर्मर, चेस्ट प्लेट, अपना लेगिंग्स, बूट्स एंड स्वॉर्ड, यानी कि 15 डेब्रीज चाहिए। ओके, तो 15 डेब्रीज के लिए देखते हैं, ये तो हो गई हमारी 2, अभी और चाहिए हमें कितनी, कितनी चाहिए 15 - 2 = 13 इतनी गंदी मैथ्स। एंड यहाँ पे तुम लोगों को दिख रहा होगा कि विग्नेट वगैरह नहीं है, यानी कि जो अगल बगल का काला काला दिखता है वो काला काला नहीं दिख रहा है, एंड पोशन पार्टिकल्स भी तुमको नहीं दिख रहा है, उसके लिए मैंने मॉड यूज़ कर लिया था, AK ने मेरे को दिया था फॉक्सी वाले, तो मैंने सोचा कि उन्हें यूज़ किया जाए, अच्छा ही लगेगा आज के लिए तो। एंड यहाँ पे लगाते हैं, एंड देन इसको थोड़ा सा पीछे होके बूम, ओके मैं खाना खा लूँ, एंड एक और डेब्रिस मिल चुकी है भाई साहब, क्या ही किस्मत है भाई, क्या ही किस्मत है अपनी। एंड यहाँ से लावा निकल चुका है, इस लावा को कर देते हैं बंद, मैं भी डेब्रिस यूज़ करने वाला था इस लावा को बंद करने के लिए, और डर तो है ही नहीं लावा का, लावा में घुस के लावा बंद करेंगे आज। ओके ओके ओके, तो इधर भी हम लोगों को थोड़ी सी एंशियंट डेब्रिस मिली है, देखते हैं ये कितने हैं, आई थिंक 3 है मैं बस बना रहा हूँ 3 ही हूँ, उससे कम ना हो, ओह नहीं 2 ही है यार, 2 ही होते हैं क्या एक साथ, मेरे ख्याल से 3 तक होते हैं ना मैक्सिमम, 2 या फिर 3, इनकी मैक्सिमम लिमिट होती है कि मतलब 2 या फिर 3 डेब्रिस चाहिए होते हैं, मतलब 2 या 3 डेब्रिस चाहिए नहीं होते हैं, होते हैं मतलब एक साथ, कोई ना अच्छा ही मिलना है, आई वुड नॉट कंप्लेन एनीथिंग भाई, बहुत सही डेब्रिस मिल रहा है अपने को। एंड एक और लगाते हैं अपना, देखते हैं, बहुत सही जा रहा है भाई, मतलब इतना अच्छा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब आते ही, मतलब सीरियसली 2 मिनट हुआ है। ओके, मैं वापस जाने का रास्ता ना भूल जाऊँ बस, और मर ना जाऊँ कसम से भाई मैं तो ना पागल ले जाऊँगा अगर मैं मर गया अभी। कोई ओके, आखे एक और है भाई, क्यों ही डबरीस मिल रही है भाई, क्यों ही डबरीस मिल रही है। अच्छा, मुझे लगा कि 2 साइड पे है, मैं बहुत कुछ ज़्यादा ही खुश हो गया था अभी। ओके ओके, तो इधर भी 2, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा डबरीस है, ओ भाई इधर एक है वो देखो वहां भी है, बहुत सही बहुत सही। मैं तो आसपास कुछ डिगिंग करी ना, पिकेक्स लाया किस लिए, बेटे लेके आना चाहिए था बस। ये हो गए 1, ये हो गई 2 भाई, मतलब उफ आय हाय हाय, ऐसे होती भाई डेवरेस्ट माइनिंग, ऐसे होती है भाई, ओ भाई साहब। ओके, इधर एक ही था, छी चलो कोई नहीं, जो मिल रहा है सब अच्छा, मतलब इतनी जल्दी 7 हो गए, सीरियसली भाई मुझे अभी तक भरोसा ही नहीं हो रहा, मतलब क्या चल क्या रहा है, मजाक चल रहा है भाई, एंशियंट डेब्रिस रेयरेस्ट है, आर यू जोकिंग भाई, इससे अच्छा इतना इजीली अगर डायमंड मिलता तो अभी तक तो मैं डायमंड का मतलब घर बना लेता। बूम, ओके लग रहा है इस बार डेब्रिस नहीं मिली, हाँ इस बार नहीं मिली अपने को डेब्रिस, अच्छा नहीं हुआ ये। ओके कोई नहीं, हर बार नहीं मिलता है जो अपन चाहता है, यहाँ पे इसे बंद कर देते हैं, कहाँ से निकल रहे, खत्म हो गई एकदम परफेक्ट, एकदम टाइमिंग पे मैंने चेक किया भाई, मेरा पोशन खत्म हो गया। ओके पी लेते हैं एक और, एंड फिर से 8 मिनट आ गए हमारे पास। ओके तो यहाँ पे इसे ब्रेक करो, ऐसा नहीं होता भैया, ज़्यादा खुश हो गया था, ज़्यादा खुश हो गया मैं, यहाँ भी नहीं है ना, नो डेब्रिस एट ऑल, वापस भी जाना है आई थिंक, इस डायरेक्शन में बहुत हो गया, अब मेरे को वापस जाके वहाँ पे दूसरे डायरेक्शन में माइनिंग करता हूँ। यहाँ पे 3 बार निकल चुका है, डोंट थिंक कि अब इस डायरेक्शन में और निकलेगा, मैं वापस जा रहा एंड देन वहाँ पे दूसरी डायरेक्शन में जाके माइनिंग करता हूँ। कोई डेब्रिस, हाँ देखिए एक और डेब्रिस दिखी है, यप 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 यप, एंड कहीं अगर कोई डेब्रिस वेब्रिस मिस हो जाए तो भैया बता दियो,
बाद में आके मैं ले जाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये रही एंशिएंट डेब्रिस। ओके, यहाँ बस एक ही थी, लोल, और नहीं है? हाँ है ना, ओहो ओहो ओहो, अच्छा मैंने देख लिया, अरे मैं चला आया था ऐसे, पक्का चला गया होता। ओके तो ये मिल गई एक और, कितनी हो गई हमारे पास? ओके 9 हो गई हैं, 6 मोर टू गो, दिस डायरेक्शन इज गुड। किधर से आए थे? इधर से आए थे ना, हाँ इधर ही है, रास्ता भी चेक करते रहना पड़ेगा। मैं जिस जगह से आया हूँ ना, इस जगह पे बहुत ज़्यादा डेब्रिस मिली मेरे को, तो मैं यहीं पे ही एक और इसी जगह पे चेक करने वाला हूँ। ओके तो यहाँ पे इन डेब्रिस। ओके ओके ओके, मेरी फायर रेजिस्टेंस की पोशन। ओके 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 ओके, कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। ओके यहाँ आग बुझाओ हर जगह से, यार यहाँ भी नहीं है डेब्रिस। 4 मोर बेड्स एंड आई नीड 6 मोर डेब्रिस। अगर हर एक में दो दो भी निकल आया तो हो गया, मतलब एक में ना निकले और सब में दो दो निकल आए, भाई कितनी अच्छी शुरुआत हुई थी, द स्टार्टिंग वॉज सो गुड। भाई अब लेकिन गो हो रहा है, दे दो ना। ये मैंने देखा है नेदर में आकर, चाहे जितना भी अच्छा शेडर हो ऑन ऑफ होते ही लगता है, आई डोंट नो व्हाई। ओके 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 ओके, डेब्रिस मिल गया डेब्रिस मिल गया, एक तो मिला आई होप। हाँ यहाँ पे दो हैं, बहुत सही भाई, प्लीज तीन हो, प्लीज तीन हो, प्लीज 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 प्लीज। तुम सब लोग दुआ करो भाई, तुम सब लोग दुआ करो अभी कि भाई तीन होना चाहिए, अगर तीन होता है ना हाय दिल खुश होएगा। नहीं दो है, कोई नहीं यार, तुम लोगों ने दुआ की होगी तो आगे आगे जरूर मिलेगा। यस यस, निकल आया निकल आया, तुम सबकी दुआएं भाई काम कर गई भाई, भाई सीरियसली तुम सबकी दुआएं काम कर गई भाई, मैं तो यही बोलूंगा। ओके भाई साहब, भाई साहब, यप 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 यप, सही है। ओके आजा आजा। ओके ओके, वहां पे एक और है, बहुत सही, कितने? 13। यार दो और चाहिए थे दो और डेब्रिस चाहिए, देख लूँ क्या थोड़ा बहुत इधर उधर। ओके वेट, देख लेता हूँ थोड़ा बहुत इधर उधर कहीं से, दो डेब्रिस। यस यस, ओ भाई यस, कितना निकला कितना निकला भाई? एक निकला है, अरे भाई, अरे यार ये गलत हो जाएगा, आई नीड जस्ट 1 मोर। ओके तो आधी वीडियो खत्म होने के बाद मुझे अब याद आ रहा है। ओके पहले रुको, पहले मैं इसको 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 निपटा लूँ फिर बताता हूँ कि एक नेदरराइट इंगल के लिए 4 स्क्रैप चाहिए होती है, आधी वीडियो के बाद याद आ रहा है। तो कोई नहीं, एटलीस्ट 3 चीज़ें तो हमारी कर ही सकते हैं, जिसमें से कि मैं करने वाला अपना चेस्ट प्लेट, हेलमेट एंड जो है अपना स्वॉर्ड, ये 3 चीज़ें मैं अभी अपग्रेड करूँगा। भाई इतनी गंदी कैलकुलेशन, नूब वाली हरकत की मैंने थोड़ी, मतलब याद नहीं था मुझे, बट कोई बात नहीं है ऐसे कि मतलब बहुत बड़ी बात हो गई है। आफ्टर ऑल हमारे पास 3 नेदरराइट इंगट्स आ ही जाएंगे, जिनसे कि हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं अपने किसी एक सामान को। तो अभी तो सो जाता हूँ पहले मैं, क्योंकि है हमारी ये जो डेब्रिस है, इस डेब्रिस को हमें डालना है ब्लास्ट फर्नेस में, जिससे कि ये बन जाएगा नेदरराइट स्क्रैप। ठीक है, ये देख सकते हो ये हमारे पास आई है नेदरराइट स्क्रैप। पहले मैं ये थोड़ा सा खाली करूँ, कहाँ पे, यहीं पे खाली कर देता हूँ फिलहाल के लिए। तो खाली कर दिया मैंने सारा कचरा, एंड देख सकते हो कि हमारे पास आ रही है भी नेदरराइट स्क्रैप। ये नेदरराइट स्क्रैप आपको यूज करनी पड़ती है इन मेकिंग, यहाँ पे ज़ॉम्बी की आवाज, यहाँ पे ज़ॉम्बीज हैं होंगे, ये अब खचर खचर करते रहेंगे मेरे चिड़िया लोग। तो उसके लिए तुम्हें साथ में चाहिए होती है थोड़ी बहुत गोल्ड, ठीक है, तभी तुम नेदरराइट स्क्रैप्स बना सकते हो, नेदरराइट इंगट, ठीक है ना। तो अभी हम लोग ये थोड़ा सा गोल्ड ले लेते हैं, 27 गोल्ड से हो जाएगा अपना काम, ठीक है ना। एंड यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो हमारे पास बन चुका है ऑलमोस्ट, हमारे ये जो 14 है ये बन चुके हैं हमारे पास नेदरराइट स्क्रैप्स में।
एंड डी एन नेदराइट स्क्रैप एंड जो गोल्ड इंगट्स हैं हमारे, ये दोनों मिलके बनाते हैं नेदराइट इंगट, ठीक है ना। ये देख सकते हो, ये है नेदराइट इंगट, कुछ इस तरीके का दिखता है, काली काली ईंटें हैं, एक दो तीन, एंड ये तीन बनाई हैं। बस चाहिए होती है एक, आई थिंक मेरे को वुड चाहिए पहले, हाँ यप वुड कहाँ है, ये रही वुड। तो वुड से हमें बनानी पड़ेगी एक क्या कहते हैं उसको, ये स्मिथिंग टेबल, ठीक है ना। एक स्मिथिंग टेबल हमने बना ली, एंड इस स्मिथिंग टेबल को यहीं पे रख देते हैं, यप। एंड इसमें हमें क्या करना है, लाइक अब सबसे पहले हम लोग अपनी तलवार को अपग्रेड करते हैं, तो इसमें हमें रखनी पड़ती है अपनी तलवार इधर, एंड एक नेदरराइट इंगट रखना पड़ेगा इधर, लाइक ये वाला नेदरराइट इंगट इधर रख देते हैं। एंड ये देख सकते हो, ये हमारे पास बन के आ रही है एकदम ओपी वाली तलवार, एकदम ओपी ओपी, जो कि है नेदरराइट स्वॉर्ड, एंड इसका अटैक डैमेज है +13, जो कि बड़ा ही खतरनाक है एक्चुअली। अरे तू आ जा, तेरे पे टेस्टिंग होगी। वन हिट, ओ माय गॉड, क्या मैंने अभी जो देखा वो सच था, ये वन हिट में कैसे मर गया, मे बी ये पहले से डैमेज्ड होगा, मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। एंड जो हमारी दूसरी चीजें हैं वो भी हम लोग अपग्रेड कर लेते हैं, लाइक मैंने जो कहा था कि हम अपना करेंगे आर्मर, यानी कि जो चेस्ट प्लेट है इसको, एंड भाई बहुत ओपी लगती है एक्चुअली नेदरराइट वाली चीज़ें, एंड देख ही सकते हो हेलमेट का जो मतलब एनिमेशन है, एनिमेशन क्या है उसको, क्या कहते हैं, डिज़ाइन है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है इन नेदरराइट, है ना। ये देख ही सकते हो इसमें आँखें बनी हुई हैं, एंड ये हमने पहन लिया अपना नेदरराइट वाला आर्मर, एंड हाथ में ले लेते हैं नेदरराइट वाली स्वॉर्ड, एंड दिखाता हूँ तुम लोगों को कि कैसा लग रहा है, ये देख सकते हो। एंड भाई ये बहुत ओपी लग रहा है, माय फर्स्ट नेदरराइट, या मेरा पहला नेदरराइट है गेम में, मैंने इससे पहले कभी भी नेदरराइट नहीं बनाया है, इट इज माय फर्स्ट नेदरराइट। हाँ क्रिएटिव में एक दो बार किया होगा कभी मजाक में, मतलब जब आया था तो, बट लाइक दिस मतलब कि गेम में, इन गेम पहली बार है। एंड देख सकते हो भाई कितना ओपी लग रहा है नेदरराइट आर्मर। एंड इसी के बाद मैं ये जूते और पैंट भी मैं कर दूंगा, मे बी ऑफलाइन करूं या फिर तुम लोग बताना कि उसे भी ऑनलाइन ही करूं, तो ऑनलाइन ही कर दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। एंड भाई ये बहुत ज़्यादा ओपी लग रहा है, मैं इसको निहारने वाला हूं थोड़ी देर तक। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टास्क नेक्स्ट डे पे जाके देखेंगे कि भाई ये बुक कीपर्स हमारे लिए और क्या क्या टास्क रखे हुए हैं। सो मिलते हैं एक और नए एपिसोड में, टिल देन, बाय बाय।